नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके साथ रूबरू हुआ हूं बिल्कुल लाइव क्लास के साथ, और जैसा कि मैंने बच्चों से वादा भी किया था कि आपको हम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर जो इस साल नई एजुकेशन पॉलिसी बनी गई है, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है, क्या क्या चेंजिंग हुआ है। ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च की गई है सरकार के द्वारा, ये उत्तर प्रदेश में सभी प्रकार के जितनी भी यूनिवर्सिटी है, ये सभी यूनिवर्सिटी पर लागू किया गया है, जो इसी साल में सेशन 2021 और 22 सेशन से ये प्रारंभ किया गया है। सबसे पहले तो मैं सभी लोग से आग्रह करना चाहूँगा, जल्द से जल्द वो लाइव मेरे साथ आके जुड़ जाइए, और प्लीज़ एक बार आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि क्या मेरी आवाज़ आपके सामने आ रही है सही कि नहीं आ रही है, क्या बिल्कुल मेरी आवाज़ क्लियर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, क्या मेरा वीडियो सही आ रहा है कि नहीं है। प्लीज़ एक बार आप स्पष्टीकरण करके मुझे बताइएगा, जैसा भी हो प्लीज़ बताइए। प्लीज़ थंबनेल करिए या तो थम्सअप करिए, जो भी करना हो आप करके मुझे एक बार बताइए, जिससे मैं अपना कंटेंट आगे स्टार्ट करूँ और आपको भी लगे कि नहीं आपका वास्तव में आवाज़ क्लियर बिल्कुल चल रहा है। स्टार्ट करूँ और एक बार प्लीज़ सभी को गुड इवनिंग, जितने भी फ्रेशर हैं सभी को गुड इवनिंग। आइए हम लोग सिलेबस को स्टार्ट करते हैं और आज आपको पूरी डिटेल्स में मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। प्लीज़ सभी लोग लाइव आ जाइए। और प्लीज़ कमेंट करके आप बताइए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और प्लीज़ जो भी कमेंट हो रहा है उस कमेंट को बताने का प्रयास कीजिए और लाइव रहिए और प्लस कमेंट करते रहिए। जो भी आपकी क्वेरी, जो भी सवाल है, वो भी आप मुझसे कमेंट करके आप पूछते रहिए। चलिए आइए टॉपिक पर हम लोग आते हैं, डिस्कस करेंगे। सभी को एक बार फिर से वेरी टू ऑल ऑफ सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। आइए टॉपिक पर हम लोग चलते हैं और आपको बताते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है कि नेशनल अगर हम लोग बात करेंगे, कह रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग सरकार के द्वारा इस बार एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है, जो कि सभी प्रकार के उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटी में ये आपका स्पेशली जो अंडर ग्रेजुएट जो आपके प्रोग्राम है, कोर्सेज हैं, उन सभी पर फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में बात कर रहा हूँ, इस बार ये लागू हो चुका है। और मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि व्हाट इज द कॉमन मिनिमम सिलेबस फॉर ऑल यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि जितने भी यूपी ऑल स्टेट यूनिवर्सिटी में जो कोर्स लागू किए गए हैं, उन सभी पर ये लागू किए जाएंगे, चाहे वो आपका बीकॉम हो, चाहे वो बीए हो, चाहे वो बीएससी हो, या किसी प्रकार कोई भी अंडर ग्रेजुएट का जो प्रोग्राम का कोर्स स्टार्ट किया गया है, उसमें मैंने यहाँ पर देखो ऑलरेडी लिखा है कि अंडर ग्रेजुएट कॉमर्स के लिए मैं यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। पेशे से मैं कॉमर्स का अध्यापक हूँ, मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, और आज आपको हूँ यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से मैं आपके सामने लाइव हुआ हूँ, और आगे से मेरी क्लास यहाँ पर डे लाइव क्लास आपके साथ चलेगी, जो भी मैं पूरे कॉमर्स के पूरी क्लास के बारे में आपको समझाऊंगा। मैं यहाँ पर आज डिस्कशन करने वाला हूँ कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर ये जो आपके, मैं यहाँ स्पेशली मैं जौनपुर की बात अगर करूँ तो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से जो बिलोंग कर रहे हैं छात्र हैं, उनके लिए बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी हमारे सब्जेक्ट इस बार लागू किए गए हैं, वो आपको जो पढ़ना है मैंडेटरी, उसके बारे में आपको बताने का प्रयास करूँगा। ये देख लीजिए। हाँ, दूसरी बात कि जो इस बार आपको जो पढ़ने हैं, वो आप अपना कोर्स आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं बारी बारी से सबको मैं बताने का प्रयास करूंगा और आप प्लीज़ आइए और मेरे साथ जुड़िए। और जैसे बहुत बहुत शुक्रिया विशाल यादव जी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। देखिए, इसमें अगर बात करेंगे तो ये भी आपका जो ईयर है, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा है, सेमेस्टर में जो कोडिंग आपका दिया गया, सब्जेक्ट कोड के बारे में बताया गया है और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपके चालू किए गए हैं, लागू किए गए हैं, उन सब के बारे में ये बताया गया है।
बिल्कुल विकास जी, आप बिल्कुल विशाल जी, आप घबराइए बिल्कुल मत। मैं आपको यहाँ पर अभी तो मैं आपको बीकॉम के बारे में बता रहा हूँ। जल्दी मैं अपने फैकल्टीज में कहूँगा कि वो बीएससी और बाकी जो अदर सब्जेक्ट वाले जो बच्चे हैं, चाहे वो बीए हो चाहे और भी जो भी बच्चे हैं, उन सब के बारे में भी बताने का प्रयास करेंगे। मैं अपने साइंस फैकल्टी वाले के स्टाफ से मैं कहने कहूँगा जल्द से जल्द वो बीएससी का भी ऑल कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। प्लीज़ और कोई भी बात हो तो आप मुझसे पूछते रहिएगा। मैं कमेंट पर थोड़ा ध्यान ना देकर मैं आगे के टॉपिक के बारे में बताना आपको चाहूँगा। धन्यवाद विकास जी। देखिए यहाँ पर अलग अलग सेमेस्टर में, आपके फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात करूँ, सेकेंड सेमेस्टर में मैं अभी आगे, ये तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, थोड़ा लाइट का अगर इशू है तो लाइट थोड़ा इशू चल रहा है, धीरे धीरे वो सही हो जाएगा आपका। आप लाइट पर मत देखिए, आपको जो मैं कंटेंट बता रहा हूँ उसको देखने का प्रयास करिए। हाँ, ये सारा मैटर बहुत जल्दी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के रूप में मैं लिंक कर दूंगा, जिससे आप इसको डाउनलोड कर लीजिए या इसको जो भी करना चाहे लिख सकते हैं आप। ये पूरा कंटेंट मैंने बता दिया है, इस पर ज़्यादा ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ये पूरा मैं बीकॉम की बात कर रहा हूँ। बीकॉम में फर्स्ट ईयर से लेकर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तीनों साल के जितने भी हमारे सेमेस्टर, मीन्स मैं 6 सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ और सिक्स, जितने भी हमारे सेमेस्टर हैं उन सभी सेमेस्टर के बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या आपका मैटर यहाँ पे रखा गया है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चेंजिंग जो आपका इस बार परिवर्तन हुआ है वो ये हुआ है कि देखिए मैं यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग जो आपका प्रोग्राम रखा गया, मैं प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, बीकॉम फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बीकॉम के बारे में बता रहा हूँ। जैसा कि अभी आपने यहाँ पर और लोग ने कुछ, बहुत बहुत शुक्रिया भाई मोहम्मद साबिर जी, वालेकुम सलाम। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए देखिए अभी हमारे साइंस के जो भी टीचर हमारे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा जल्द से जल्द वह आपके साइंस की भी फैकल्टी को भी, जैसे उसमें हमारे केमिस्ट्री के अवधेश सर, फिजिक्स के भी और स्टाफ हैं, मैथ्स के भी लगाएंगे, बायोलॉजी के अलग अलग टीचर्स आ रहे हैं, मैं सारे कंटेंट आपको देने का प्रयास करूंगा। प्लीज़ बस मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए। मैं असलम खान एक बार फिर से मैं आपसे कह देना चाहूँगा कि पूरी तैयारी मैं आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर में जितने भी आपके सेमेस्टर हैं मैं पूरी तैयारी आपको कराऊंगा विद इन एग्जाम। बस मेरे चैनल से आप जुड़े रहिएगा। जो भी मैं आगे कंटेंट बता रहा हूँ, कंटेंट में आपको क्या करना है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आइए देखिए, तो आपका जो प्रोग्राम बीकॉम में फर्स्ट ईयर सेमेस्टर बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर की जो कोर्स कोड है, मैं अगर बात करूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है सर कि कोर्स इसका कोड क्या होगा, ऑनलाइन करते समय प्रॉब्लम होगी, तो प्लीज ऑनलाइन जब होने लगेगा मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगा कैसे किया जाएगा, क्योंकि आपकी सारी समस्या अब मेरी समस्या हो गई है। मैं आपकी सारी समस्याओं पर यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। ये आपका सब्जेक्ट कोड है और मैं बात कर रहा हूँ पेपर फर्स्ट की, मैं बात कर रहा हूँ बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो नई शिक्षा नीति लगी है उसके लिए सेशन 2021 और 22 से जो लागू किया गया है, पेपर फर्स्ट के लिए जो बिजनेस टाइटल कोर्स टाइटल है, माफी चाहेंगे, जो कोर्स टाइटल है वह मैं बार 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 बात आपसे कर रहा हूँ, ये हमारा क्या, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन, इसको हम लोग हिंदी में व्यावसायिक संगठन के नाम से हम लोग जानते हैं, ये पेपर आपका है। और सबसे बड़ी बात मैं बात कर दूँ, दैट्स इज वेरी कंपल्सरी पेपर, ये हमारा क्या है, कंपल्सरी पेपर, भी आपको लेना ही लेना है, इसको आप छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल इसको आप कतई नहीं छोड़ सकते हैं, आपको यहाँ पर लेना ही पड़ेगा, आपको यहाँ पर लेना ही पड़ेगा, इसके बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कह पाऊंगा। ओके, चलिए प्लीज कमेंट करके आप बताते रहिए जो भी आपकी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी और कुछ आप जानना चाहते हैं। बहुत से बच्चे भी कहना चाहेंगे सर इस पेपर कैसे होगा, सारे चीज तो मैं यहाँ पे डिस्कशन करने का प्रयास करूंगा। ओके आइए आगे चलते हैं। तो देखिए इस बार जो मैक्सिमम मार्क्स होगा, यहाँ पर दो रेशियो बना दिया गया है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बार यूपी स्टेट ऑल यूनिवर्सिटी में इस बार बना दिया गया है 25 और 75 का रेशियो बना दिया गया है। 25 का मतलब हो गया कि ये आपका इंटरनल मार्क्स होगा, जो कि आपको आपका कॉलेज, जिस कॉलेज से आप बिलोंग करते हैं, जिस कॉलेज में आप एडमिशन कराएंगे वो उस कॉलेज के थ्रू आपको ये मिलेगा, और बाकी जो 75 आपका नंबर का होगा पेपर वो आपका रिटन एग्जाम जैसा भी यूनिवर्सिटी कराती है। हाँ, अभी इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहेंगे कि इस बार एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। पिछली बार ऐसा हुआ था
कि ड्यू टू कोविड 19 जो आपका क्राइसिस हुआ था उसके कारण ऑब्जेक्टिव करने कराने के बारे में प्रयास किया गया था, लेकिन दूसरी लहर के नाते एग्जाम हो नहीं पाया था, इसलिए इसके बारे में अभी कुछ हम नहीं कह पाएंगे कि एग्जाम कैसा होगा, एमसीक्यूज पर होगा या फिर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। लेकिन जैसे ही हमें इस बात की जानकारी होगी मैं आपसे रूबरू फिर होऊंगा कि एग्जाम का प्रारूप कैसा होगा, मीन्स एमसीक्यूज होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा। लेकिन आपको जो समझना है वो आपको ये समझना है कि 25 इस बार आपका कॉलेज का इंटरनल मार्क्स आपको मिलेगा, आपके कॉलेज के द्वारा प्रदान किया जाएगा, और 75 नंबर आपका जो होगा वो आपका यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगा। हाँ, मिनिमम पासिंग मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो एक तो आपका क्या गया है 10 और 25, मीन्स जो आपका इंटरनल है 25 उसमें आपको कम से कम 10 मार्क्स यहाँ से आपको अचीव करना होगा, और जो 75 होगा उसमें से कम आपको 25 नंबर आपको यहाँ से एक्वायर करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जी विशाल जी मैं आपकी समस्या समझ रहा हूँ। जी बिल्कुल। चलिए मैं ओके आगे, बहुत अच्छा, वेरी गुड। प्लीज़ ऐसे कमेंट करके आप बताते रहिएगा, अच्छा लग रहा है मुझे भी। चलिए कुछ हम आगे और डिस्कशन करना चाहेंगे। हाँ, इसके बाद मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो इस बार आपका जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई है उसमें मैं बात करूँ कि जो आपका पेपर जो आपका है, मैं BO की बात कर रहा हूँ, पहले जो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो आपका है, जो पहले आपका BO बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्यावसायिक संगठन है, इसके बारे में आपसे थोड़ा डिस्कशन करना चाहूँगा कि ये जो आपका पेपर है उसमें कंटेंट ओवरऑल आपको क्या पढ़ना है। आप तो चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, बिल्कुल, मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप ले सकते हैं। ओके, इस पर थोड़ा सा मैं फोकस करना चाहूँगा, यहाँ से मैं फोकस करना चाहूँगा, जो आपको पढ़ने हैं बिजनेस कॉन्सेप्ट करा है, बिजनेस आपको व्यवसायिक अवधारणा हमारी क्या है, मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द बिजनेस, की व्यवसाय का डेवलपमेंट विकास इस तरह से क्या हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, मीनिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन इवैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि इसका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, क्या डिफरेंस बिटवीन द इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, कि उद्योग और कॉमर्स में बेसिकली हमारा अंतर क्या होता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन व्यापार अथवा पेशे क्या होता है, मॉडर्न बिजनेस एंड द करेक्टरिस्टिक्स, हमारा आधुनिक हमारा व्यवसाय क्या है और उसके बारे में क्या इसकी विशेषताएं हैं। इसके बाद करा है प्रमोशन ऑफ द बिजनेस, कंसीडरेशन इन द एस्टैब्लिशमेंट न्यू बिजनेस, कि एक नया व्यापार को करने में आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, ये आपका सिलेबस है। इसके बाद करें क्वालिटी एंड सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के बीच में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है ये, अगर मैं बात करूँ जो 11th के कॉमर्स के वाले बच्चे होंगे या 12th वाले होंगे, ओवरऑल BCom फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो होंगे, इनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर्म ऑफ द बिजनेस, ये सोल ट्रेड क्या होता है, पार्टनरशिप हमारा क्या होता है, ज्वाइंट स्टॉक क्या होता है, कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, बेसिकली इसमें अंतर यह आप देख सकते हैं, करेक्टरिस्टिक्स के बारे में करा है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में करा है, और डिफरेंस बिटवीन करा प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी के बारे में इसके, एंड वन इसके बाद लास्ट में देखो करा वन पर्सन कंपनी, ये वन पर्सन कंपनी इसको शॉर्टकट में OPC के नाम से हम लोग इसको भी जानते हैं, इसके बारे में ये जो मैं आपको कंटेंट आज बता रहा हूँ, ये सारा कंटेंट मैं आपको यहाँ पे पूरा A to Z में कराने का प्रयास करूँगा, एक भी टॉपिक मुझसे छूटेगा नहीं, बस आप केवल मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। ओके विशाल जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपकी समस्या समझ गया हूँ और जल्द ही मैं आपको पूरा इसका कंटेंट देने का मैं प्रयास करूँगा। ओके, आइए आगे मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद कह रहा है तीसरे समय इसके तीसरे यूनिट में मेरा प्लांट लोकेशन कॉन्सेप्ट मीनिंग इंपॉर्टेंस फैक्टर द इफेक्टिव प्लांट लोकेशन अफोर्ड करा वेवर्स एंड सर्गमेंट पोर्समैन थ्योरी लोकेशन प्लांट एंड लेआउट, इन सब के बारे में आपके कुछ और मेजरमेंट करा है, मेजरिंग ऑफ द साइज ऑफ द फैक्ट्री इफेक्टिंग द साइज मिनिमम साइज ऑफ फैक्ट्री डिटरमाइन ऑफ द ऑप्टिमम साइज, इन सब के बारे में कुछ और आपसे कह रहा है। आगे अगर इसकी बात करें कुछ हमारा और है बिजनेस का जो आपका BO का टॉपिक है उन सब के बारे में अगर यहाँ मैं कहना चाहूँगा तो जो आपको पढ़ना है वो कह रहा है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव केसेस फॉर्म ऑफ द काइंड्स ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल मेरिट्स एंड डीमेरिट्स
बिटवीन द नेशनलाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन के बीच में क्या हमारा बेसिक अंतर है, इन सब के बारे में भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ये था ओवरऑल जो आपका बी कॉम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका बी जो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका पूरा है। हाँ, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हों, अगर उनको प्रॉब्लम हो रही इंग्लिश में, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका हिंदी कंटेंट भी आपको मैं आपको प्रोवाइड करा देंगे कि हिंदी में इसको क्या होते हैं, पूरा कंटेंट मैं आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, तो अगला हमारा जो प्रोग्राम कर रहा है बीकॉम फर्स्ट ईयर में बात कर रहा हूँ, जो कोर्स कोड है वो इस बार कोर्स कोड आपका चेंज हो जाएगा। और जो आपको पढ़ना है वो मैं बात करूँ तो जो पेपर आपका सब्जेक्ट है वो है दैट इज बिजनेस स्ट्रेटजी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका विषय है। हाँ, अगर मैथ वाले बच्चे होंगे तो मैथ वाले बच्चे भी स्ट्रेटजी के बारे में वो पढ़े होंगे। यहाँ पर बिजनेस में बात करूँ तो यहाँ बिजनेस स्टडीज है, लगभग आपका कंटेंट यही मिलेगा। हाँ, इस बार क्या हुआ है कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में जो बिजनेस स्टैटिक्स है बुक में थोड़ा बदलाव किया गया है। यहाँ पे फादर ऑफ बिजनेस स्टैटिक्स के बारे में यहाँ पर जिक्र जोड़ दिया गया है। यहाँ पर पहले तो अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके पीसी महाल नोवी साहब आप गए, आपके प्रशांत चंद आपके महाल नोवी जो फादर ऑफ स्टैटिक्स माने गए हैं, उनके बारे में हम पूरा इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे, क्या थे, कैसे उनका एजुकेशन पॉलिसी है, क्या क्या कैसे इन्होंने बिजनेस स्टडीज के बारे में अपना ओपिनियन रखा, क्या क्या उन्होंने व्यू दिया, इसके आधार पे करेंगे। हाँ, अगर बात करेंगे तो दैट्स इज वेरी कंपल्सरी पेपर, ये हमारा क्या है, कंपल्सरी पेपर है। और इसका जो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी टोटल आपको 6 क्रेडिट आपको देगी, टोटल आपको 6 क्रेडिट यहाँ पर देने का वो प्रयास करेगी, टोटल 6 क्रेडिट आपको। बिल्कुल, वेरी गुड इवनिंग पिंकी जी, ओके, प्लीज़ कमेंट करके बताते रहिए, और अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो प्लीज़ इसके बारे में आप मुझे बताते रहिएगा। ओके, थैंक यू, प्लीज़ कमेंट करते रहिएगा। हाँ, यहाँ भी मैं बात करूँगा तो मैक्सिमम मार्क्स जो आपका है यहाँ भी आपका सेम ऐसे रेशियो जैसा कि बीओ वाले में रखा गया था, इस बार भी आपका सेम ऐसा कंटेंट रखा गया है कि 25 जो आपका 25 मार्क्स होगा वो आपके कॉलेज का इंटरनल पोर्शन होगा, और जो 75 होगा वो यूनिवर्सिटी आपको नंबर अलाट करेगी रिटेन एग्जाम के थ्रू। तो ओवरऑल 25 प्लस 75 मैं बात करूंगा टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 100 यहां से हो जाएगा। लेकिन अभी तक क्या एग्जाम अभी तक होता रहे कि टोटल आपका 100 का 100 यूनिवर्सिटी कराती थी और उसी के आधार पे आपके रिटेन एग्जाम लेकर आपको नंबर प्रोवाइड कराती थी। लेकिन इस बार इस पॉलिसी के थ्रू जो 2020 में पॉलिसी चेंज हुआ है, इसके अंतर्गत आपका चेंजिंग हुआ है, 25 नंबर का जो एग्जाम आपका होगा मार्क्स वो आपका कॉलेज का इंटरनल प्रोवाइड कराएगा और 75 जो होगा वो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम के थ्रू। हाँ, यहाँ भी मिनिमम मार्क्स की बात करें तो 10 और 25 की बात करें, मीन्स इंटरनल में आपको कुल मिलाकर 10 और जो आपका एक्सटर्नल मीन्स जो आपका रिटन एग्जाम होगा वहां से भी आपको 25 नंबर एक्वायर करना होगा फॉर मिनिमम मार्क्स। यहाँ पासिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारा क्या है पासिंग है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसी के आधार पर ये भी आपको रखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू, बिल्कुल, ओके, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे आप लगे रहिए और मेरा साथ दीजिए। बिल्कुल विशाल जी, इतना आप रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया हूँ। बिल्कुल आप घबराइए मत, सारा कंटेंट आपको बहुत जल्दी मैं आपके साइंस फैकल्टी से मैं कह रहा हूँ वो आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। ओके, आइए आगे हम चलते हैं, थोड़ा इसका बिजनेस स्टडीज़ का कंटेंट थोड़ा देख लीजिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ये देख लीजिए स्क्रीन शॉट आपके सामने हो गया है। हाँ, यहाँ अगर मैं थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करना चाहूँ तो देख लीजिए, इस बार जो आपको बिजनेस स्टैटिक्स में जो पढ़ना है आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके फर्स्ट यूनिट में बात कर रहा हूँ तो कह रहा इंडियन स्टैटिक्स कि इंडियन स्टैटिक्स क्या है, मीनिंग अबाउट द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स प्रोफेसर प्रशांत चंद महाल नोविस। इसके बारे में मैंने आपसे पहले कहा था कि भारतीय स्टैटिक्स के जो फादर है वो कौन से, पीसी महाल नोविस, मीन्स प्रशांत चंद महाल नोविस। ओवरऑल अगर हम लोग बात करेंगे फादर ऑफ स्टैटिक्स पे तो इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगा, ग्राडफाइड आपके आकनवाल जर्मन विद्वान जो आपके थे उनके बारे में, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस स्टैटिक्स मीनिंग स्कोप इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन, बिजनेस स्टडीज के बारे में, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, स्टैटिकल यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका है, मेथड ऑफ द करा इन्वेस्टिगेशन ये थ्योरी का पार्ट, ये अगर हम लोग बात करेंगे ये जो पहला आपका यूनिट है इसमें कुल मिलाकर आपको थ्योरी पढ़ना है,
जनगणना के बारे में, सैंपलिंग के बारे में, कलेक्शन ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, सबसे इंपॉर्टेंट अक्सर ये पूछ लेता है कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, इसको कैसे कलेक्ट करते हैं, हाउ टू कलेक्ट द प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से मैं आपको यहाँ पर थ्योरी का पोर्शन भी ले आऊँगा, समझाऊंगा आपको। हाँ, इसमें डिफरेंस भी बहुत पूछता है, कई बार पूछ चुका है, एडिटिंग ऑफ द डेटा, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ द डेटा। क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन क्या होता है, इसमें बेसिकली अंतर क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या ऑब्जेक्टिव है, ये भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। इसके बाद यहाँ मैं ग्रामेटिकल एंड जे में आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यहाँ पर आपको कुछ ग्रामेटिकल एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास में करूंगा। ओके जी, बिल्कुल बिल्कुल, ओके, थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का प्रयास कीजिए, और मैं पर डे लाइव क्लास लेने का प्रयास करूंगा यहाँ पर आपको। मैं पूरा कंटेंट, मैं बीकॉम की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बीकॉम पे पूरा कॉन्टेक्ट जो आपका है, कंटेंट जो आपका है, बिजनेस स्टैटिक्स का हो गया, चाहे बीओ का हो गया, आगे जो भी मैं आपको कम्युनिकेशन या कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा, उन सब के बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताने का, समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, आगे आइए, कमेंट पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देखेंगे आगे जो। हाँ, दूसरा यूनिट जो आपका है, दैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट आपका यूनिट है, मैं बात करूंगा। ये यहाँ से आपका समझ लीजिए न्यूमेरिकल का पोर्शन स्टार्ट होगा, क्रम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक एंड डिस्पर्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो कह रहा है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट, मीन इसमें स्पेशली बहुत पूछता है, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, डिस्पर्शन, रेंज की मैं बात करूँ, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, क्वार्टाइल डिवीजन, मीन डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन एंड इट्स कोफिशिएंट। ये सब मैं जो आपको वहाँ बोल रहा हूँ, ये सब सारा चीज हमारा क्या है, न्यूमेरिकल का पोर्शन है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कोफिशिएंट एंड वेरियंस, वेरियंस एंड टेस्ट ऑफ द स्क्यूनेस एंड डिस्पर्शन, इंपॉर्टेंट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द स्क्यूनेस। स्क्यूनेस क्या होता है, स्क्यूनेस की कौन कौन सी विधियाँ हैं, मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। कार्ल पियर्सन साहब क्या है, स्पीयरमैन क्या साहब क्या है, इन सब के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ये यूनिट नंबर आपका सर। इसके बाद मैं यूनिट नंबर थर्ड की बात करूँ, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का पोर्शन है, जो कि जो आपको पढ़ना होगा, कोरिलेशन, कोरिलेशन सह संबंध जिसको बोलते हैं, मीनिंग, एप्लीकेशन, टाइप्स ऑफ द डिग्री ऑफ द कोरिलेशन, मेथड, स्कैटर्ड डायग्राम ऑफ द कार्ल पियर्सन साहब। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका इन्होंने थ्योरी दिया है, कार्ल पियर्सन साहब ने कोरिलेशन के बारे में, कोफिशिएंट एंड कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट। मैं बार बार कराऊ, ये दो बंदे, कुछ बंदे ऐसे इसमें आपके डॉक्टर बाउले साहब हो गए, आपके कार्ल पियर्सन साहब हो गए, स्पीयरमैन साहब हो गए, इन्होंने स्टैटिस के बारे में अपना अपना कुछ थ्योरी के साथ साथ कुछ इन्होंने न्यूमेरिकल के पॉइंट्स से कुछ फार्मूले भी दिए हों, उन फार्मूले के आधार पर आपको मैं सिखाऊंगा कैसे यहाँ पर, कैसे आपके यहाँ पर न्यूमेरिकल के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए जाते हैं। ओके ओके, वेरी गुड, आइए कुछ हम लोग आगे और बढ़ते हैं। चलिए यूनिट नंबर आपका फोर्थ की बात करें तो यहाँ जो ये भी आपका न्यूमेरिकल का पोर्शन है, बहुत ही अच्छा आपका है, अक्सर ये पूछता है। और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो ये जो मैं आपको सेकंड यूनिट्स में बता रहा हूँ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो आपका है, यहाँ से अक्सर कंपटीशन के एग्जाम में स्पेशली TGT, PGT, UGC, NET या ऑल टाइप ऑफ सच कॉमर्स कम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से आपके न्यूमेरिकल के पोर्शन, आपके ऑब्जेक्टिव MCQs टाइप के सवाल यहाँ पे बनकर पूछे हैं। तो इंडेक्स नंबर, मीनिंग, टाइप्स, यूजेज, मेथड, कंस्ट्रक्शन, प्राइस, इंडेक्स नंबर, फिक्स बेस, स्टेक मेथड, चैन बेस मेथड, इंपॉर्टेंट आपका है, बेस कंजर्वेशन मेथड, शिफ्टिंग, डिफ्लेक्शन, स्प्लाइसिंग, कंज्यूमर प्राइस, ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर भाई साहब वो है, वो फिशर इंडेक्स, फिशर इरविंग, प्रोफेसर इरविंग फिशर की मैं बात कर रहा हूँ। इन्होंने इंडेक्स के बारे में बहुत ही अपना इंपॉर्टेंट इंडेक्स फार्मूला दिया है, जिसके आधार पे हम लोग टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, जो कि यहाँ लिखा भी होगा, ये आपका, ये इनके रूल्स कुछ बनाए गए, उस रूल्स के आधार पर ये अपने काम करते हैं। इसके बाद एनालिसिस ऑफ द करंट टाइम सीरीज में, हाँ, टाइम सीरीज कॉल सीरीज के बारे में करा, इंपॉर्टेंट एंड कंपोनेंट द टाइम सीरीज है, डिसकम्पोजिंग एंड टाइम सीरीज सीरीज है, मूविंग एवरेज मेथड है, मूविंग लिस्ट स्क्वायर मेथड, ये लास्ट जो मैंने लिस्ट स्क्वायर का न्यूनतम वर्ग विधि, ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। ये ओवरऑल मैंने टोटल आपको बिजनेस स्टडीज का टोटल कंटेंट मैंने आपको बता दिया कि इस बार आपको क्या क्या पढ़ने हैं। थोड़ा से आगे हम लोग बात करेंगे
अगला जो प्रोग्राम आपका है वो बीकॉम में, अभी मैं फर्स्ट सेमेस्टर की ही बात कर रहा हूँ। हाँ, इसमें कुछ बच्चों की प्रॉब्लम हो सकती है कि सर यहाँ पर आपको कितने ओवरऑल पेपर पढ़ने हैं। कुछ तो बच्चे कह रहे हैं सर ओवरऑल क्या इसमें होगा, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर जो आपके, ओके थैंक यू भाई, हाँ जो कोड आपका होगा यहाँ पर पेपर, जो कोर्स कोड होगा यहाँ पे एक ऑप्शन मैंने यहाँ ऑब्लिक करके लिखा है, क्योंकि यहाँ पर पेपर पहला दूसरा तो कंपलसरी है, बीयू और बिजनेस स्टडीज तो आपका कंपलसरी है, लेकिन जो तीसरा पेपर है बीकॉम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, वो आपका एक चूज वाला आ जाएगा। आपको पहला अगर आप लेंगे तो आपको ये कोर्स कोड डालना पड़ेगा, अगर दूसरा लेंगे तो आपको कोर्स कोड ये डालना पड़ेगा। इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने हैं वो पहला आपसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ये देखिए जस्ट बिजनेस कम्युनिकेशन, व्यावसायिक संचार बोलते हैं, चाहे तो आप ये ले सकते हैं या फिर आप ले सकते हैं, कह रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन, चाहे तो आप ये पेपर ले सकते हैं। ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करेगा कि बच्चा कौन सा ले रहा है, या कभी कभी ऐसा होता है कॉलेज वाले भी अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे क्या चलाना है, कम्युनिकेशन चलवाना है या फिर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में आपको यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करेगा, कुछ हद तक कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करेगा क्या वो लागू कर रहे हैं। तो आपको तीन पेपर लेना है, पहला तो आपको क्या लेना है, बीओ लेना है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी टोटल थ्योरी का पार्ट आपका है। इसके बाद मैं बात करूंगा तो अगला जो पेपर आपका बिजनेस स्टडी, जो कि आपका न्यूमेरिकल का पेपर है, वो आपको लेना ही लेना है। तीसरा ऑप्शन है वो चूज वाला है, वो ऑप्शनल पेपर है, या तो आप कम्युनिकेशन लीजिए या तो आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन के रूप में आप ले सकते हैं, जो आपका इच्छा रहेगा। मैंने देखो यहाँ पे टाइटल मैंने डाल दिया है, दैट्स इज ये ऑप्शनल पेपर है। ये क्या है, ऑप्शनल पेपर है, आपको यहाँ पर चूज करना होगा। यहाँ भी इसकी क्रेडिट आपकी देखी गई है 6 क्रेडिट, यहाँ भी सेम प्रोसीजर जैसा कि पहले और दूसरे मैंने आपको बताया है कि मैक्सिमम जो मार्क्स होगा 25 और 75 का रेशियो बनाया गया है, 25 आपका इंटरनल देगा कॉलेज की तरफ से और 75 जो आपका यूनिवर्सिटी जैसा भी आपको एग्जाम कराए, चाहे एमसीक्यूज बेस पर या फिर डिस्क्रिप्टिव बेस पर वो कराए, मिनिमम पासिंग मार्क्स भी आपका सेम वही रहेगा, 10 और 25 का रहेगा। इसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पर बिजनेस कम्युनिकेशन, यहाँ मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में, बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में आप यहाँ पर सिलेबस आप थोड़ा देख सकते हैं। ओके थैंक यू बिल्कुल ओके। आइए आगे देखते हैं, बिजनेस मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, बिजनेस कम्युनिकेशन का जो कंटेंट है ओवरऑल आपको क्या करना है, आप चाहें तो उसका फर्स्ट यूनिट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कह रहा है कि प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंस द कम्युनिकेशन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल, वर्बल और नॉन वर्बल के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में क्या कह रहा है ये आपको पढ़ना है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन वेरियस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है कि कम्युनिकेशन में क्या बैरियर्स आ सकते हैं, क्या क्या अवरोध आ सकते हैं, इसमें आपका क्या लैंग्वेज बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, इंटरपर्सनल बैरियर्स, कल्चरल बैरियर, साइकोलॉजिकल आपका, फिजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, रोल ऑफ द इफेक्ट एंड द एडवांटेज ऑफ द टेक्नोलॉजी इन बिजनेस कम्युनिकेशन, कि नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या इसका इफेक्टिव होगा, क्या इसका इंपॉर्टेंट होगा, क्या इसका इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, ये भी आपको पढ़ना है। मैं बात करूँ तो ईमेल की क्या है, टेक्स्ट मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड मॉडर्न टेक्निक लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड सोशल मीडिया के बारे में आपको यहाँ पर रूबरू होना है, ये भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। अगला आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हाँ जल्दी अगर आपको थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर आप पूरे कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हैं या लिख सकते हैं। सेकेंड यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो आपको जो पढ़ना है नॉन वर्बल एक्सेप्ट में कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट आपका है, पैरा लैंग्वेज के बारे में आपको पढ़ना होगा, क्या आपका इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है, इंटरव्यू स्किल कैसे लिया जाता है, रिपोर्टिंग का क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, रिटेन वीडियो सेशन क्या आपका होता है, अपीयरेंस इन द इंटरव्यू, इंटरव्यू क्या होता है, राइटिंग रिज्यूम एंड लेटर एप्लीकेशन, रिज्यूम कैसे लिखा जाता है, एप्लीकेशन या जिसको आप बोल सकते हैं रिपोर्ट कैसे हम लोग लिखते हैं, इन सब के बारे में आपका है। मॉडर्न फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन, ईमेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक्सेट्रा, मतलब ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टैक्स, फैक्स, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। बिजनेस लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन के बारे में करें, यहाँ पे कुछ आपके ऐसे चीज़ें जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको प्रेजेंटेशन में आपको रखा गया है यहाँ पर। इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस लैंग्वेज, वोकैबुलरी वर्ड्स के बारे में कह रहा है आपसे, कह रहा है कि वोकैबुलरी वर्ड्स हमारे क्या होते हैं।
इंग्लिश ऑरल प्रेजेंटेशन, इंपॉर्टेंस करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंटेशन प्लान, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड विजुअल एड्स, इसके बारे में कराया है कि पावर पॉइंट्स में कैसे इसका विजुअल होता है, कैसे इसको हम लोग देखते हैं, इन सब के बारे में आपसे ये कहना चाह रहा है। ओके, आगे हम लोग बात करेंगे। ओके, बिल्कुल मैं सारी आपको बातें यहाँ बताऊंगा। जल्द ही मैं आपको यहाँ पर, अभी तो मैं आपको सिलेबस आज बता रहा हूँ, जल्द ही इस पर हम क्या करेंगे, लाइव आएंगे और क्लासेस के साथ। अब तो मैं आपको सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ और जल्द ही मैं आपको पूरा कंटेंट शुरू करेंगे और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारा टाइमिंग क्या होगा, कब मैं आपको रूबरू होऊंगा, कब मैं आपसे लाइव आपके साथ में जुड़ूंगा और कौन कौन से सब्जेक्ट को मैं किस दिन पढ़ाऊंगा, जिसमें आपका बिजनेस स्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं पढ़ाऊंगा आपको। बीओ की बात करूँ तो बीओ भी आपको पढ़ाएंगे। हाँ, कम्युनिकेशन का जो आपका है या तो आपका कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के लिए हमारे पास अभी फैकल्टी अवेलेबल नहीं है। हाँ, बिजनेस कम्युनिकेशन अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए, तो मैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशन का भी मैटर आपको विथ रिटेन में आपको मैं लिखा कर समझाने का प्रयास करूंगा। बस आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं आपको पूरा कंटेंट आपको लिखवाऊंगा, पूरा कंटेंट मैं तैयारी कराऊंगा बिफोर एग्जाम पहले मैं पूरी तैयारी आपको कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ओके, थर्ड की बात करेंगे, इसमें कुछ आपका रिटर्न स्किल के बारे में कह रहा है, प्लानिंग, बिजनेस मैसेजिंग, री राइटिंग एंड एडिटिंग, फर्स्ट ड्राफ्ट, रिकंस्ट्रक्शन, फाइनल ड्राफ्ट कैसे तैयार करेंगे, ये आपको पढ़ना है। ऑफिस करेस्पॉन्डेंस में आपको यह पत्र व्यवहार के बारे में यहाँ कहने का मतलब इसका है कि कैसे हम लोग पत्र व्यवहार लिख रहे हैं, ऑफिस लेटर व्यवसायिक पत्र क्या होता है, सेमी ऑफिशियल हमारा क्या लेटर क्या होता है एंड मेमोरेंडम क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल से एक एक पॉइंट को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आप यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद रिपोर्ट राइटिंग में आपको करा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिपोर्ट, डिफाइन द बेसिक फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट, आइडेंटिफाई द स्टेप रिपोर्टिंग राइटिंग, राइट द रिपोर्ट, मीटिंग फॉर्मेट रिक्वायरमेंट डिटरमाइन, इन सब के मान ओवरऑल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके हो सकते हैं, उन सब के बारे में ये कहने का प्रयास कर रहा है, कैसे कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, कैसे कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसका प्रोसेस क्या है, रिटर्न का पत्र लिखने का प्रोसेस क्या है, डायग्राम कैसे बनेंगे, क्या इसका चार्ट होगा, विजुअल बेसिक क्या होगा, रिपोर्ट पर अप्लाई कर इसको कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे एज पर रूल ऑफ APA स्टाइल डॉक्यूमेंटेशन, APA डॉक्यूमेंट स्टाइल में इसको हम लोग कैसे इसको प्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। ओके, एक लास्ट इसका ऑप्शनल में बात करूंगा, लास्ट आपका है ये जो मैंने बताया कि बीकॉम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जो चूज वाले पेपर ऑप्शनल पेपर है, एक तो मैंने आपको कम्युनिकेशन के बारे में बता दिया, दूसरा आपका जो है वो इंट्रोडक्शन आपको जो पढ़ना है वो क्या है, अबाउट द कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में आपको क्या पढ़ना है, इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रोग्राम क्या है, क्या क्या इसमें कंटेंट पढ़ने हैं। आप तो पहले इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसका स्क्रीनशॉट लेने में। ओके, आइए टॉपिक की बात करें तो जो आपको इस बार पढ़ने हैं फर्स्ट यूनिट में, कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर इन बिजनेस, एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सेटअप इंडियन कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, आपका एनवायरनमेंट, कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जनरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू में, जनरेशन जो आपका चल रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो मॉडर्न चल रहा है, जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर, पीसी सॉफ्टवेयर पैकेजिंग और इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं एमएस डॉस की बात कर रहा हूँ, एमएस डॉस आप पढ़ेंगे, विंडोज नंबर सिस्टम, आपको यहाँ कंप्यूटर कोर्स के बारे में भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा। सेकेंड यूनिट की बात करें, रिलेवेंस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं, दैट्स DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे। नेटवर्क में अगर मैं बात करूंगा तो नेटवर्क में आपको यहाँ पे लैन के बारे में, वैन के बारे में आपको यहाँ बताया जाए, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में आपको क्या पढ़ना है, रिलेशन डेटाबेस एप्लीकेशन आप DBMS मेथड्स या सिस्टम के थ्रू कैसे हम लोग काम करेंगे। अगली बात करेंगे तो आपका डेटाबेस लैंग्वेज, डेटाबेस पैकेज, बेसिस ऑफ द डेटा, प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा, हर्सिकल एंड डेटा फाइल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, मास्टर ट्रांजेक्शन फाइल प्रोग्राम, डेवलपमेंट ऑफ द साइकिल, मैनेजमेंट ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम एंड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ओवरऑल ये मैंने पूरा कंप्यूटर का कंटेंट बता दिया। यहाँ पर थोड़ा से वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में आपसे कह रहा, मीनिंग एंड रोल ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट
पैकेज होता है कंप्यूटर बेस से, एमएस वर्ड के बारे में, पावर पॉइंट के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा, करा इन चैटिंग डॉक्यूमेंट्स एडिटिंग फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स यूजिंग द टूल्स एंड सच द स्पेलिंग। हाँ, लास्ट में यहाँ पर आपको जो पढ़ना होगा, एक तो आप लाइन के बारे में लिख लेंगे, इसमें कंटेंट आप एक छूट गया तो लिख लीजिए, लाइन के बारे में पढ़ना है और एक वैन के बारे में आपको पढ़ना है, लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। हाँ, थोड़ा सा अगर मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, थोड़ा सा आप इंटरनेट के बारे में आप जोड़ लीजिए। ओवरऑल इस तरह से पूरा कंटेंट मैंने आपको आपको समझा दिया कि आपको क्या पढ़ना है। इस बार आपका जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से जो बिलोंग कर रहे छात्र, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वे लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर जो इस बार रिलेट कर रहे हैं, जो सेशन 2021 और 22 में बीकॉम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जो जुड़े हुए हैं, हाँ उनकी मैं अगर बात करूँ एग्ज़ाम के बारे में, देखिए कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एग्ज़ाम के बारे में क्या है, तो एग्ज़ाम के बारे में कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है, चाहे वो बीएससी हो चाहे बीकॉम हो चाहे बीए है, वो दिसंबर लास्ट में भी अगर हो सकता हो, अदरवाइज नहीं होता है तो आप जनवरी वाले महीने में आप मान के चलिए, कि जनवरी वाले महीने में आपका एग्ज़ाम जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम पूरा होने की पूरी प्रबल संभावना है। विशाल जी बिल्कुल, प्लीज़ सर सेकेंड ईयर का मैथ, बिल्कुल विशाल जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं बार बार आपसे फिर कह रहा हूँ आप इतना रिक्वेस्ट बिल्कुल मत करिए, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मैं आपकी समस्या को बिल्कुल, मैं आपके साइंस फैकल्टी में, अपने साइंस फैकल्टी से मैं कहूँगा स्पेशली केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ वाले जो भी हैं उनको मैं आपको पूरा आपकी जो समस्या है मैं पूरी कंटेंट मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। पिंकी जी, विशाल जी प्लीज़ आप पहले, थैंक यू थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। देखिए आप लोग का यही सपोर्ट, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों का स्नेह चाहिए, आप लोगों का बस ऐसे कमेंट करते रहिए, प्लीज़ समझने का प्रयास कीजिए जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, पहले पूरी मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए, इसके बाद जो भी आपको कमेंट करना है कमेंट करिए, मैं आपकी सारी कमेंट का मैं जवाब दूंगा और आपकी जो भी समस्या हो रही है मैं उसको भी समझाने का प्रयास करूंगा। ओके बिल्कुल, देखिए विशाल जी बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, डोंट वरी पिंकी, कोई बात नहीं, ऐसी कोई आप बिल्कुल आप दोनों लोग आपस में डिस्टर्ब ना होइए एक दूसरे से, कोई बात नहीं, मैं पूरी कंटेंट मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और जल्द ही हो सकता है मेरा कल जो क्लास चले वो कल से ही मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में ही मैं आपका जो कंटेंट है फर्स्ट सेमेस्टर का मैं उसको ला रहा हूँ। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट मैं लास्ट में आपसे करूँगा कि प्लीज़ मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो, पूरे कंटेंट को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और लास्ट में मुझे एक थंबनेल करके आप मुझे प्लीज़ बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और प्लीज़ अपने जो भी फ्रेंड है आपको उनको जो भी आपसे कॉमर्स रिलेटेड या जो भी हैं उनसे आप उनको पूरा सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, उनको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करिएगा। आज के लाइव सेशन को बस यही मैं आपको एंड करने चाह रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपका अगले स्टाफ मेरे आ चुके हैं, अगला क्लास यहाँ पे चलेगा। ओके थैंक यू, प्लीज़ एक बार थंबनेल कर दीजिएगा। ओके सभी को लास्ट में मैं एक बार सभी को फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो इतना जुड़े हुए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़े रहिएगा। ओके थैंक यू।